वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस्लामी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 8 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं। शिशोंग पूछता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? सोमी बोलती है, कुछ है ही नहीं बोलने को। शिशोंग पूछता है, ये बताओ तुम्हारे स्कूल एडमिशन की लिस्ट कब आएगी और तुम कौन से स्कूल में एडमिशन लोगी? सोमी बताती है, मुझे नहीं पता। शिशोंग बोलता है, बड़ी अजीब हो तुम, तो तुम्हें पता क्या है? सोमी बताती है, मैं बस इतना जानती हूँ कुछ टाइम बाद मैं ये टाउन छोड़कर चली जाऊंगी। शिशोंग सैड होकर बोलता है, ये तो अच्छा है, वैसे भी तुम तो यहाँ रहना नहीं चाहती थी। सोमी बोलती है, वो तुमसे मिलने से पहले की बात है। शिशोंग उसकी बातों को इग्नोर कर उसे वहाँ से ले जाता है। सोमी उसे साथ में फोटो क्लिक करने को कहती है, शिशोंग मना कर देता है। सोमी बोलती है, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी मेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी, तुम तो फोन ही यूज नहीं करते, मैं भी तुम्हारे बाकी फैंस की तरह तुम्हें बस ऑनलाइन ही देख पाऊंगी। शिशोंग पूछता, सच बताओ तुमने फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सा स्कूल भरा है? सोमी बताती है, मदर ने तो मुझे तुम्हारा वाला स्कूल भरने को कहा था, पर मैंने चेंज कर दिया और उसमें चाइनीज कोर्स वाला स्कूल भर दिया है। शिशोंग बोलता है, ये तो अच्छा है, वैसे भी तुम तो म्यूजिक सीखना नहीं चाहती थी। सोमी बताती है, पर मैंने इस बारे में मदर को नहीं बताया और उन्हें पता चला तो मेरी धुलाई कर देगी, क्योंकि वो मुझे एक पियानिस्ट बनाना चाहती है, इसीलिए बचपन से ही वो मुझे जबरदस्ती सिखा रही थी और अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। शिशोंग बोलता है, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है, नॉवल लिखना चाहती हो तो वही करो। सोमी बोलती है, मैं लड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी तरह मेहनत कर जो चाहती हूँ वो पाना चाहती हूँ। तभी सोमी को ठीक आ जाती है। शिशोंग उसे अपनी जैकेट से कवर कर लेता है। दोनों पूरी रात साथ ही रहते हैं। मॉर्निंग अंट लियांग के रूम का डोर नॉक करती है। लियांग बाहर आता है। अंट उसे बताती है, सोमी रूम से गायब है और उसका फोन भी रूम में ही है। जूली भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों को बताती है, वो दोनों लास्ट नाइट साथ में थे। सभी बेफिक्र होकर अपने रूम में चले जाते हैं। सोमी और शिशोंग वापस होटल आते हैं। सभी वहाँ से जा ही रहे होते हैं। लियांग शिशोंग को बताता है, स्कूल से कॉल आया था, नेक्स्ट वेडनेसडे हांगकांग में इंटरनेशनल म्यूजिकल फेस्टिवल है, तुम्हें वहाँ सूली के साथ परफॉर्म करना है। सूली वहाँ आ जाती है। शिशोंग बोलता है, हम 20 मिनट में तैयार होके आते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर लियू मी को स्कूल में देख लेता है। लियू कुछ बोले, मी पहले तो उसका मुंह बंद करती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगाती है। लियू पूछता है, तुम सोमी के साथ गई थी, क्या तुम्हारी उससे फिर से लड़ाई हो गई है जो तुम उसे अकेला वहाँ छोड़ आई? मी बताती है, सोमी मेरे साथ नहीं शिशोंग के साथ गई है। लियू चिल्लाता है, ऐसा नहीं हो सकता। मी बोलती है, चिल्लाओ मत और तुम सोमी के पेरेंट्स को भी मत बताना, सोमी नहीं चाहती उसके पेरेंट्स को उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चले। लियू को अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था, वो ये सब क्या सुन रहा है और भागा हुआ सीधा सोमी के घर पहुंच जाता है। सोमी की मदर सोशल मीडिया पर शिशोंग की फोटो देख रही होती है कि वो एक लड़की के साथ पार्क में है। लियू फोन लेकर ध्यान से उस फोटो को देखता है और पहचान जाता है, ये सोमी है। मदर अपना फोन वापस लेकर वहाँ से चली जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी बेटी ही शिशोंग के साथ है और लियू शॉक में चला जाता है। तभी कार में वापस आ रहे होते हैं। सोमी और शिशोंग एक दूसरे के शोल्डर पर सर रखकर सो रहे होते हैं। सूली को ये देखकर बुरा लगता है और लियांग को बोलकर कार रोकने को कहती है। सूली रोने लग जाती है। लियांग उसे अपना हैंकी देता है। सूली बोलती है, मैं शिशोंग के साथ इतने सालों से हूँ और उसे मेरे लिए कभी कुछ फील नहीं होता और वो सोमी 2 महीने पहले ही उसकी लाइफ में आई है और वो उसके बिना रह भी नहीं सकता। लियांग बोलता है, पहले वो शियन, अब ये सोमी, इसके बाद कोई और आ जाएगी। उसकी शियन शिशोंग की पहली गर्लफ्रेंड होती है। एक दिन शियन शिशोंग को कॉल करती है, हमारे फैंस मुझे और मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब तक मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर लूंगी वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर शिशोंग को बुरा लगता है, उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को ये सब झेलना पड़ रहा है। शिशोंग उससे ब्रेकअप कर लेता है। फ्लैशबैक से बाहर सूली वापस चलने को कहती है। लियांग को समझ नहीं आता ये सब वो कैसे रोके। तभी ट्रिप से घर पहुंचते हैं और अंदर जा रहे होते हैं। सोमी उन्हें बाय बोलती है एंड बोलती है, जाती क्यों नहीं हो यहाँ से, क्या आप कॉफी पीकर भी जाओगी? तभी लियू वहाँ आ जाता है। सोमी शॉक हो जाती है। सूली लियू को देखकर पहचान लेती है। नेक्स्ट सीन में मदर सोमी की क्लास लगा रही होती है क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि वो मी के साथ ट्रिप पर नहीं गई। मदर बोलती है, बताओ तुम किसके साथ घूम रही थी? मैंने मना किया था ग्रेजुएट होने से पहले इन सब चक्रों में नहीं पढ़ना, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? सोमी बोलती है, आप भी तो फादर को हाई स्कूल में डेट कर रही थी तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पर आप जैसे पेरेंट्स के फोर्स की वजह से हम बच्चे डेट करने की उम्र में डेट नहीं करते और शादी की एज में आप जबरदस्ती किसी को भी डेट करने को कहते हैं। लियू उसे चुप कराता है, तुम ज्यादा बोल रही हो। सोमी अपनी मदर को सॉरी बोलती है। मदर उसे
रूम में जाने को कहती है। लियू भी उसके साथ जाने लगता है। मदर लियू को बोलती है तुम भी अपने घर जाओ। लियू चला जाता है। तुली शिशोंग को बताती है अभी मैंने बाहर एक लड़के को देखा था, लगता है उसके साथ सुमी का खास रिलेशन है। शिशोंग बताता है वो सुमी का दोस्त है। सुली बताती है एक दिन वो मुझे गिफ्ट शॉप में मिला था और उसने सोमी के लिए रिंग खरीदी थी। शिशोंग बोलता है पर सोमी ने वो रिंग नहीं ली होगी और तुम जाकर रेस्ट करो। सुली रूम से चली जाती है। शिशोंग को ये बात बार बार परेशान कर रही होती है। लियू सोमी के घर से जा रहा होता है। शिशोंग उसे देख रहा होता है। सोमी की मदर उसके कपड़े देखती है जहाँ उसे पार्क की टिकट मिलती है। मदर उसके कपड़े शिशोंग की फोटो वाली लड़की से मैच करती है और मैच हो जाते हैं। इसके बाद मदर उसके फोन भी चेक करती है, उसमें उसे मी की कन्वर्सेशन मिल जाती है। इसके बाद मदर सोमी के फादर को कॉल कर पूछती है आप कहाँ है। फादर बताते मैं लियू के साथ ड्रिंक कर रहा हूँ। मदर उन्हें जल्दी से घर आने को कहती है। दोनों ड्रंक करते हुए घर आ रहे होते हैं। लियू बोलता है मैं आपका सनी-इन-लॉ बनना चाहता हूँ। फादर बोलते हैं इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें सोमी से बात करनी होगी। लियू पूछता है क्या सोमी को मेरे जैसा हैंडसम और अच्छा लड़का मिल सकता है क्या। फादर बोलते हैं तुमसे बेटर और कोई नहीं हो सकता। लियू पूछता है अगर उसे कोई अनरोमांटिक बोरिंग और जुम्बी फेस वाला लड़का पसंद आ जाए तो आप क्या करेंगे। फादर बोलते हैं अगर वो ऐसे लड़के को घर लाएगी तो मैं उसे तुरंत रिजेक्ट कर दूंगा। लियू खुश हो जाता है। इसके बाद लियू शिशोंग के घर के बाहर चिल्लाने लगता है, डोर ओपन करने को कहता है। उसे लगता है ये सोमी का घर है। सभी अंदर डिनर कर रहे होते हैं। तो सबको बोलता है उसे इग्नोर कर दो। सोमी भी लियू की चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ जाती है। फादर लियू को आकर बताते हैं सोमी यहाँ नहीं रहती, वहाँ रहती है। मदर भी बाहर आ जाती है। शिशोंग अपने घर से बाहर आता है। सोमी के पेरेंट्स शिशोंग को वहाँ देख कर एकदम शॉक हो जाते हैं। सोमी भी ये सारा हल्ला सुनकर बाहर आती है। लियू उसे हक कर लेता है। सोमी उसे छोड़ने को कहती है, लियू नहीं छोड़ता। शिशोंग वहाँ आकर सोमी से उसे दूर करता है और सोमी को बोलता है पजामा पहनकर बाहर क्यों आई हो, अंदर जाओ। शिशोंग लियू को अपने घर ले जाता है। सोमी की मदर शिशोंग को देखकर बेहोशी हो जाती है। थोड़ी देर बाद मदर होश में आती है और सोमी से शिशोंग के बारे में पूछती है। सोमी बताती है हम फ्रेंड है बस। मदर उसे पूछती है मुझे सब बताओ तुम उससे कैसे मिली। सोमी बता देती है। दूसरी ओर लियांग से शिशोंग को पता चलता है सोमी की मदर उसकी बहुत बड़ी फैन है, इवन उसके फैन ग्रुप के लीडर भी है। अंट बोलते है इसका मतलब उन्हें पहले से हमारा एड्रेस पता था और जानकर यहाँ शिफ्ट हुए हैं। चांग बोलता है पहले तो सोमी ने परेशान कर रखा था, अब उसकी मदर भी इन सब में इन्वॉल्व है। शिशोंग दोनों को बोलता है आप दोनों थोड़े ड्रामे कम देखा करो, अगर उसकी मदर को पता होता मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे देखकर ऐसे बेहोश नहीं होती। पर बात रही सोमी की, वो तो इतनी स्टूपिड है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है सब करने को। शिशोंग अंट को बोलता है सोमी की फैमिली को अच्छे से ट्रीट करना, वो मेरी फैन है। तुली ने ये सब सुन लिया होता है। सोमी की मदर उससे पूछती है क्या तुम श्योर हो तुम दोनों जस्ट फ्रेंड हो। सोमी हाँ बोलती है। मदर सोमी को कन्विंस करती है कि वो शिशोंग को डेट करे, पर इस बार सोमी मना कर देती है क्योंकि उसको लगता है उसकी मदर उसका टेस्ट ले रही है ताकि वो उसे सच बता दे। मदर गुस्से में वहाँ से उसे जाने को कहती है। सोमी अपने रूम की बालकनी में आती है। शिशोंग भी बाहर आता है। शिशोंग उससे पूछता है तुम्हारी मदर कैसी है। सोमी बताते हैं ठीक, बस वो मुझे तुम्हारे साथ देखकर बेहोश हो गई क्योंकि वो नहीं चाहती मैं किसी लड़के को डेट करूं। शिशोंग पूछता है क्या तुम श्योर हो तुम्हारी मदर तुम्हारी वजह से बेहोश हुई है। सोमी बोलती है और क्यों होगी। शिशोंग बोलता है फिर तो मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए नहीं तो तुम्हारी मदर को तुम पर गुस्सा आएगा। सोमी बोलती है कोई जरूरत नहीं है मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। शिशोंग बोलता है अपनी मदर को कहना हांगकांग के कॉन्सर्ट के बाद मैं पर्सनली उनसे मिलने आऊंगा। और सोमी को बोलता है अगर कोई तुमसे हमारे बारे में पूछता है तो तुम उसे सच बता सकती हो। सोमी ये सुनकर उसे वेट करने को कहती है और अंदर चली जाती है। शिशोंग उसके रूम से बाहर आने का वेट कर रहा होता है। सोमी सीधा उसके पास ही आ जाती है और पूछती है अगर कोई मुझसे हमारे बारे में पूछे तो मैं क्या कहूँ, बोल देना कि हमने किस और हक भी किया है। सोमी शर्मा जाती है। शिशोंग उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियू उठता है। सुली उसके सामने होती है। लियू पूछता मैं कहाँ हूँ। वो बताती है तुम शिशोंग के घर हो, मैं भी यहीं रहती हूँ, हम दोनों दोस्त हैं। लियू पूछता तुम सोमी को जानती हो। वो बताती है हाँ हम सब ट्रिप पर साथ गए थे। लियू बोलता है इसका मतलब वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। सुली बताती है हाँ उनका रिश्ता भाई बहन जैसा है। सुली ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लियू खुशी से पागल हो जाता है। फादर मदर को ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर बुलाते हैं। मदर बड़ी स्टाइल से बाहर आती है। फादर उन्हें देखते ही रह जाते हैं। मदर शिशोंग के घर की डोर बेल रिंग करती है। अंट डोर खोलती है। मदर बोलती है मैं आप लोगों को अपने घर इनवाइट करने आई थी। अंट बोलती है शिशोंग हांगकांग गया है कॉन्सर्ट के लिए, अब वो वापस आएगा अब तो ये तभी हो पाएगा। मदर बाय बाय बोलकर चली जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंग है, बाय बाय।